या ठिकाणी मात्र कोणीही तक्रार करू नये आणि आपापसातलं राजकारण ग्रामपंचायतचं या ठिकाणी कृपया आणू नये. जे काही मुद्दे असतील विकासात्मक मुद्दे कुठे मांडावे काय करावं हे आम्हाला सांगावं. कृपया काय केलं याच्यावर काय झालं कारवाई कशी निघाली नसताना कृपया ह्या बाबी या ठिकाणी मांडू नये या अशी मी सर्वांना विनंती करतो. माझ्या विरोधात पूर्ण बातम्याची बातमी होऊन राहिल्या. भ्रष्टाचार होऊन राहिला हे होणार पाच पैसे दिले भ्रष्टाचार कुठचा आला असा नाना एकमेकांना तुम्ही लोक मारत का नाही असं मी बोलू अधिकारी म्हणून. आज मी पंचायत समिती कुठच्या कुठे नेऊन ठेवली तुम्ही लोक साधता ना मला पेपर मध्ये काय गाजवता असं एकही पैसा भैया एकही पैसे नाही घेऊन ते पण चालू आहे. भ्रष्टाचार हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ एकही पैसा खर्च नाही केला वाटतं साहेब एक पैसा खर्च नाही केला सगळ्यांनी. तुम्ही अभी बीडीओ साहेबने बोला है कि भ्रष्टाचार नहीं है. मैं बोलता 2002 से अब तक लेखा परीक्षण अहवाल के अंदर में जो भ्रष्टाचार है उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए. वीडियो साहब को कितने लेटर दे दिए और वीडियो साहब ने लेखी स्वरूप में अध्यक्ष महोदय आपके सामने बोलना चाहिए कि इसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं है इसके अंदर अपहार नहीं है तो हम वीडियो साहब की बात मानने तैयार हो जाएंगे. सेकंड बात यह उसका जीआर है अध्यक्ष महोदय वो जीआर में साफ साफ लिखा है कि 90 दिनों के जो 90 दिन का उसका क्राइटेरिया है वो 90 दिन के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करके जो भी ऐसा अपहार करता है उसके खिलाफ फौजदारी गुनाह दाखिल करना चाहिए. वीडियो साहब से पूछो पिछले जितना उनका कार्यकाल है उसमें कितने लोगों पर इन्होंने अपहारित रकम वसूल किया और कितने लोगों पर फौजदारी गुनाह दाखिल किया. सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन अपहार जो अपना लेखा परीक्षण अहवाल है उसने इनके सामने आंदोलन करके इनको लेकिन लेटर देके भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया. मेरा सेकंड सर ये है सेकंड मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि 13 वित्त आयोग 14 वित्त आयोग में मैं आपको प्रूफ कर दूंगा सर मैं जो बोल रहा इसमें कार्यवाहार है जीआर है 13 वित्त आयोग का तो छोड़ दो 14 वित्त आयोग के लिए जीआर है कि जो शासन निधि डायरेक्ट ग्राम पंचायत को दे रहा है वो ग्राम पंचायत निधि टुकड़े टुकड़े मेरा खर्चा करे. और इन्हीं वीडियो साहब के इसी पंचायत समिति कार्यालय ने कांडी के अंदर में टुकड़े टुकड़े दो लाख नवानवे हजार ई टेंडर को ना लगाते हुए जीवन में काम किए गए इसके प्रूफ में आपको देने तैयार. दूसरी बात भ्रष्टाचार नहीं है ये सबसे गलत बात है. तीसरी बात सर दवासु योजना में एक ही आदमी एक ही ठेकेदार मैनेज कैसे होते हो बताता हूँ आपको. मैं ठेकेदारों का इस तरह से ई टेंडर आता है टेंडर के अंदर में उनको टेंडर प्रक्रिया इस तरह से दी जाती है कि आप सिर्फ हमको मटेरियल प्रोवाइड करो और बाकी संस्था ग्राम पंचायत संभाल लेंगी. तो मैं बोलता जब ग्राम पंचायत संस्था काम कर रही है तो फिर मजदूरी का पेमेंट ठेकेदार दे कैसे रहे. दूसरी बात है उनका कोटेशन अगर आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय तो कोटेशन में साफ लिखा है कि वो फ्रेंड्स कॉलोनी और वही के थोड़ा सा आधा किलोमीटर दूसरी कॉलोनी है तो ठेकेदार लिखते हैं कि भाई ये जगह पे हम 700 रुपए में टैंकर देंगे ठीक है ये जगह में हम 800 रुपए घंटे से हम उसमें रोलर देंगे और दूसरी जगह लिखते 100 रुपए में देंगे तीसरी जगह लिखते कि टैंकर हम 50 रुपए में देंगे. ये क्या है इसके ऊपर हमने आपको कंप्लेंट नहीं किया होंगे तो वीडियो साहब ने हमको बोल देना अगर हमारे लिए ऑफिस में ना हो उसके उसी हमारे पास ना हो तो वीडियो साहब ने बिल्कुल हमको बोलना चाहिए कि हम गलत बोल रहे हैं. तीसरी बात यह है सर कि स्वजल धारा योजना के लिए हमारे कुछ कार्यकर्ता हमारे कुछ समाज सेवक लोग माननीय न्यायालय में उन्होंने याचिका दर्ज करने वाले उनके ऊपर भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ उस पर वीडियो साहब ने अब तक क्या कार्रवाई की है उसका अहवाल कौन देगा. ये सारे अहवाल देने की जिम्मेदारी किसकी ये आखिर एक सवाल उठता है ये पब्लिक के लिए भी उठता है जनता के लिए उठता है हमारे लिए भी है. उसके बाद में सामान्य निधि जो हमारा टैक्स होता है उसके लिए हमने बहुत अच्छा सा पॉम्पलेट आज इशू किए. सामान्य निधि जिसके लिए मालूम है सर टैक्स वसूल किया जाता है टैक्स के लिए ऐसा है अगर टैक्स पेयर अगर टैक्स ना दे तो उसके ऊपर कितने टाइप की कितनी ऐसी बड़जबरी से समझो शासन निधि में बोलो उसकी बदनामी की जाती है ब्लैक लगाया जाता है यहाँ तक कि उसके ऊपर टैक्स के दर लगाया जाता है पांच तक के व्याज दर लगाया जाता वो नहीं होता तो व्याज दर लगाने के बाद में जब तक कार्रवाई करते मैं बोलता ये यहाँ तक तुम कार्रवाई करते हो और हमारा पैसा तुम जमा कर. सर मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा बीच में मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ छोटा सी हूँ ग्राम पंचायत सदस्य हूँ मैं कांडी का. तो हाँ जब आप जनता का टैक्स जो है वो जमा करते और वो जमा करने के बाद में मालूम है फिर उसमें करप्शन होता तो क्या जनता का पैसा इसलिए आप जमा करते कि लोगों को मतलब प्रशासन और शासन में के लोगों को जमा करप्शन करने दिया जाए फिर उसके लिए आपके पास में तकरार आती तो आप स्टेज पे से बोलते थे कि भाई तकरार करो मत गांव का विकास नहीं हो रहा. अरे मैं बोलता सबसे बड़ी समस्या है कि जो विकास के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है उसका तुम क्या कर रहे हो इसका तुम्हें जवाब होना चाहिए ना. फिर उसके बाद में सर मेरा है
के निधि के टुकड़े गिरा गिरा के कौन सा जीआर बोलता, वीडियो साहब ने उसका जवाब देने को बोला, कौन सा जीआर बोलता कि 2,99,000, मैं बोलता है यहाँ पे डिप्टी सीओ साहब भी बैठे, मैं उनसे पूछूंगा कि 2,99,000 के 14 वित्त आयोग के टुकड़े गिराए जा सकते क्या। अभी अभी 2 दिन पहले न्यूज आई है सीओ साहब की, सीओ साहब ने साफ साफ लिख दिया टुकड़े गिराकर जो काम करेंगे उस पर कड़क कार्रवाई होगी। सर मैं सही बोल रहा हूँ? फिर उसके बाद में सर मेरा और ग्राम सभा और मासिक सभा के जो प्रोसीडिंग है उसके लिए इनके पास में कई कम खर्च किया नहीं। और हम यार बहुत शॉर्ट में निपटाऊंगा, उसके बाद में तुमको बताता था हमारे यहाँ पे टैक्स जो लगाया जाता है उसके लिए ग्राम सभा की परमिशन नहीं दी जाती, उल्टे सीधे टैक्स लगाए जाते हैं। हम वीडियो साहब को अपना वरिष्ठ अधिकारी तालुक के अधिकारी समझ के बार बार लिखित देते, मैं बोलता तुमको 100 के ऊपर सेंचुरी मार चुका मैं, इतने मैंने कागज इतनी लेकी तकरार वीडियो साहब को दिया, वीडियो साहब ने क्या कार्रवाई करी इसके ऊपर बोलते, हर बार समिति देते, अब तक 3 बार 3 समिति दे चुके, क्या कार्रवाई है? समिति वालों को बोलते तुम्हारी जवाबदारी नहीं है वीडियो साहब कि समिति वाला अगर कार्रवाई नहीं कर रहा तो तुम क्या कर रहे हो? और मैं बोलता इतना सारा नहीं, एक मिनट मेरा कंप्लीट हो, मैं बाद में सुनूंगा, बाद में सुनूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं बाद में सुनूंगा। इतना होने के बाद में सर मैंने आपको समस्या गिना दिया, अगर अध्यक्ष महोदय आपको मेरी बात में यकीन नहीं आता तो आपको मैं प्रूफ देता हूँ। और मुझे एक बात बताइए, मैंने सारे जो भी सुना है तुम्हारे बोला समस्या मानून राहिलो, समस्या अध्यक्ष साहेबांच्या परवानगीने मानून राहिलो, म्हणून तुम्ही याच्यावर बोलू नाही शकत साहेब। मला एक गोष्ट सांगा आमदार साहेब, मी काय म्हणतो आम्ही संयम बाळून तिथं बसलेला, आम्ही व्यर्थ मुद्दा मांडलेला नाही, आम्ही लेखित मांडलेला। तर अध्यक्ष साहेब माझं असंच म्हणणं आहे का शासनाने एवढे नियम बनवलेले आहे, मला एक गोष्ट सांगा, 4/1/2016 चा जो जीआर आहे तो कशाबद्दल आहे? भ्रष्टाचाराबद्दल आहे। मग भ्रष्टाचार होत नाही, मग शासन मॅट झालं का जबरदस्ती भ्रष्टाचार जीआर काढून म्हणून? तर कसं आहे, या जीआरनुसार लेखा परीक्षा अहवालाची जीआरनुसार एमआरजीएस मधले जे तुम्ही म्हणून राहिले तोंडी इथं इथं कागदी दाखवा काय नाही झालं। मी तुम्हाला सांगतो इथं तिवारी साहेब आहे, तिवारी साहेब सबसे ज्यादा घ्याल किसने लगा काढली, मी आप खुद बताइए बात को। और मैं आपको बोलता हूँ अध्यक्ष साहेब, ये जबाबदारी आती है भ्रष्टाचारी लोगों पर कार्रवाई करने की किसकी है? शासन बोलता, महाराष्ट्र शासन बोलता, मैं बोलता हूँ माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में वो पूरा जीआर पास किया जाता है, वो जीआर बोलता कि जो आदमी गैर व्यवहार कर रहा है उसके अंदर 3 दिन के अंदर में वीडियो साहब कुछ भी कार्रवाई करे, मतलब फौजदारी गुना दाखिल करे। वीडियो साहब ने कितनी तकरार और कितने लोगों को फौजदारी गुना दाखिल करे, इसका हमको जवाब देना चाहिए। और मैं बोलता ये जो है इसके ऊपर ये सारी चीजों पर कार्रवाई आखिर करेगा कौन? और ये तकरारों पर अहवाल क्यों सादर नहीं होता हम सभा के सामने? ये तकरारों पर सामान्य लोगों के तकरारों पर अहवाल सादर हो, उसका कुछ ना कुछ निकट निकले, उसके बाद में हम मानेंगे वीडियो साहब बिल्कुल अच्छा काम कर, हमारी ये कंप्लेंट खत्म हुई। ठीक है, धन्यवाद। मैंने एक बार वीडियो साहब के बर्थडे के पार्टी में बोला भी था कि सर आप फना निकालो काटो मत, लेकिन वो उतना भी नहीं करते ना। इसका परिणाम क्या हो गया सर मालूम है आपको? कांडली ग्राम पंचायत में 2002 से लेकर के तो 14-15 तक 2 करोड़ का भ्रष्टाचार है। अभी आपको मैंने जो लेटर दिया ना बिल्कुल भी प्रूफ दिए, ऑडिट रिपोर्ट के साथ में दिया हूं मैंने, ऐसे यानी वर्गल नहीं बोल रहा मैं। इसी के साथ में देवमाड़ी ग्राम पंचायत है सर, 1,50,00,000 का भ्रष्टाचार। ये क्या ग्राम पंचायत है सर? गौरखेड़ा ग्राम पंचायत में 2 करोड़ का भ्रष्टाचार। रोजगार नहीं हुआ सर, भ्रष्टाचार की बात है। अब बोलेंगे इसके बारे में सर, आदरणीय महोदय 2 मिनट लूंगा सर, इसके बारे में वीडियो साहब को जिला परिषद की तरफ से 50 लेटर आए। कितनी? 50। मैंने कम से कम 15-20 लेटर दिया सर। कलेक्टर की तरफ से लेटर आए, अपने जो चीफ सेक्रेटरी है उनकी तरफ से लेटर आए, चौकशी करा, अहवाल सादर करा, आणि ही पंचायत समितीच्या कलेक्टरलाही मोजत नाही, त्या सीओलाही मोजत नाही, आणि त्या सचिवालाही मोजत नाही। आमदार महोदय तुम्ही मागच्यावर्षी म्हटलं होतं 1 महिन्याचा इथं अहवाल आहे पाहते मग 1 महिन्याचा चौकशी करा, मला अहवाल सादर करा, तुम्हाला नाही ऐकत आहे मग आता ऐकतील कोणाला हे? आणि म्हणून माननीय महोदय माझी अशी विनंती आहे की महाराष्ट्र शासनाने सर, डेप्टी सीओ सर, महाराष्ट्र शासनाने 4 जानेवारी 2017 जो जीआर काढलेला आहे मी भ्रष्टाचाराची चौकशी यांच्याकडे केलेली आहे, जर गट विकास अधिकारी 1 महिन्याच्या आतमध्ये या चौकशी करून भ्रष्टाचाराविरुद्ध पोलीस स्टेशनमध्ये FIR दाखल करणार नसते तर तट्टे साहेब तुम्ही व्हिडिओ साहेबावर शिस्तभंगाची कारवाई करा। टाकीचे कामं रुकले, आज गावाला पाणी नाही भेटून राहिलं या मूर्खा माणसाच्या मुळे, एका मूर्खाने 22,000 लोकसंख्या गावाला, याचे अर्थ मागे गावात काम करायला अधिक
अधिकारी काम करा नहीं भ्रष्टाचार पेंशन देना हरामा खाते सर मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपके पास ऐसा कोई सबूत होगा तो मुझे दो।